सो हे गाइस, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। तो गाइस, अभी इंस्टाग्राम में एक न्यू प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, और ये जो प्रॉब्लम है ये मेरा खुद अकाउंट के साथ हो रही है। मतलब कि रील्स का जो ऑप्शन है वो शो नहीं कर रही, वहाँ पर रील्स का ऑप्शन की जगह प्लस वाला आइकन शो कर रही है, मतलब कि जैसे पहले होता था रील्स आने से पहले। सो अगर आप लोगों का भी कुछ इस तरह का अपने अकाउंट के साथ प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कि रील्स का ऑप्शन शो नहीं कर रही है, सो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखो। मैं आज आप लोगों को एक नहीं, दो भी नहीं, तीन भी नहीं, पाँच तरीका बताऊंगा, पाँच ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने अकाउंट के साथ जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। सो बिना स्किप किए पूरा पांचों मतलब कि टिप्स को फॉलो करना, आपका प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। सो लेट्स बिगिन। सो दोस्तों देखो, नंबर वन तरीका आपको अप्लाई करना है, आपको अपने इंस्टाग्राम को अपडेट करना है। देखो यार, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई अपडेट करते करते थक चुका हूँ। फिर भी जी हाँ मेरा भाई, मुझे पता है अपडेट करते करते आप लोग थक चुके होंगे और मैं भी थक चुका हूँ। दोस्तों देखो, अपडेट हमेशा आती है, मतलब कि आज अगर अपडेट करोगे फिर देखना कल अपडेट आ जाती है इंस्टाग्राम पे। तो आपको चेक करना है, मतलब कि देखना एक दिन बाद इंस्टाग्राम अपडेट आता ही है। तो आपको सबसे प्ले स्टोर पर जाना है एंड वहाँ पर आप लोग चेक करना है, अगर अपडेट है तो अपडेट करो, फटाक से अपडेट कर लो। अब मान लीजिए अपडेट करने के बाद ये नहीं आई है, तो अपन का सेकंड तरीका अपनाना है। एंड सेकंड तरीका अपनाने से पहले आपको सबसे पहले अपना आईडी का जो पासवर्ड है वो पता होना चाहिए। तभी अब आईडी का पासवर्ड पता नहीं है तो फिर सेकंड तरीका मत अपना। देखो यार, आपको आईडी का पासवर्ड अगर पता है तो आप अपने अकाउंट को जो है लॉग आउट कर दो, थोड़ी देर के लिए लॉग आउट कर दो, फिर से लॉग इन करो। देखना लॉग इन करने के बाद तुरंत तो नहीं आएगी, लेकिन लॉग इन करोगे उसके बाद फिर से इंस्टाग्राम अपडेट आएगी प्ले स्टोर में, अपडेट करोगे तो एक एक फीचर जो है वो सब कुछ आपके अकाउंट पे मिल जाएगी। अब दोस्तों सेकंड तरीका अपनाने के बाद भी अगर आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो अपन के पास थर्ड ऑप्शन भी यही है कि आपको अकाउंट का जो है वो पासवर्ड पता होना चाहिए तभी। अब मान लीजिए आप इंस्टाग्राम में दो तीन अकाउंट चलाते हो, सभी का पासवर्ड पता होना चाहिए तभी ये थर्ड वाला अप्लाई करना, क्योंकि ये थर्ड वाला थोड़ा रिस्की है। अब रिस्की क्या है कि मान लीजिए सभी अकाउंट का अगर पासवर्ड पता है तो आपको इंस्टाग्राम को ही डिलीट करना है। अब डिलीट करने के बाद आप लोगों को जितना भी अकाउंट था सबको लॉग इन करना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मान लीजिए थर्ड तरीका अपनाने के बाद भी नहीं होती है तो अब फोर्थ तरीका अप्लाई कर, तो फोर्थ तरीका है कि आपको इंस्टाग्राम का बीटा वर्जन को ज्वाइन करना है। अब दोस्तों बीटा वर्जन को ज्वाइन करने से पहले मैं आप लोगों के एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि देखो यार, बीटा वर्जन ज्वाइन करने से कहीं कहीं प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ। मुझे खुद पता है, मैंने खुद ज्वाइन किया है, इसीलिए मुझे मेरा भी अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। सो देखो, आप अपने हिसाब से ज्वाइन करना, ज्वाइन करने के बाद हो सकता है मतलब कि जब रील्स का ऑप्शन आ जाए उसके बाद आप लोग मतलब कि बीटा वर्जन को छोड़ देना, मतलब कि ज्वाइन नहीं करना है। तो देखो, ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है एंड वहाँ पर आप लोगों को नीचे ऑप्शन दिखेगा ज्वाइन बीटा, देन वहाँ पर ज्वाइन हो जाना है। अब ज्वाइन होने के बाद एक दिन बाद ही रील्स का ऑप्शन आए। अब दोस्तों मैंने बीटा वर्जन क्यों बताया, क्योंकि दोस्तों इंस्टाग्राम में जो भी फीचर्स आती है, जो भी अपडेट वगैरह आती है, सबसे पहले बीटा वर्जन वालों को मिलती है जो ज्वाइन किया है, ठीक। तो मैंने भी बीटा वर्जन ज्वाइन किया है तो मुझे सबसे पहले अपडेट मिल जाती है। तो देखो, इसमें प्रॉब्लम भी बहुत सारा। सो बीटा वर्जन को सोच समझ कर ज्वाइन करना, मैंने पहले आप लोगों को बता दिया। अब दोस्तों मान लीजिए ये चारों तरीका अपनाने के बाद नहीं होती है तो लास्ट उपाय, सो दोस्तों लास्ट उपाय है आपको अपने मोबाइल का क्लियर डाटा को कैच करना है, मतलब कि इंस्टाग्राम का क्लियर डाटा को। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले सेटिंग पे जाना है, वहाँ पर इंस्टाग्राम के ऐप को फाइंड कर लेना है, देन वहाँ पर आप लोगों को क्लियर ऑल डाटा लिखा रहेगा, क्लियर ऑल डाटा कर देना है। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा रिस्क है, मतलब कि जितना भी पॉइंट मैंने बताया थोड़ा थोड़ा रिस्क है। अब रिस्क है तो फिर कि इसके समझ में बात शाबाश। तो देखो, थोड़ा सा मतलब कि आप लोगों को रिस्क लेना पड़ेगा तभी आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। अब इसमें रिस्क क्या है कि आपका ड्राफ्ट, मान लीजिए उस अकाउंट पे ड्राफ्ट पे जितना भी वीडियोस था वो हो सकता है डिलीट हो जाएगा, ड्राफ्ट वाली, ठीक है ना, इंस्टाग्राम रील्स वाली नहीं, ड्राफ्ट वाली वीडियो मतलब कि डिलीट हो सकता है और फिर से आपको लॉग इन करना पड़ सकता है। तो लॉग इन करने के लिए आपको पासवर्ड पता होने चाहिए। तो मैंने जो भी तरीका बताया है इसे अपना, मतलब कि पाँचों तरीका अपनाने के बाद अगर मान लीजिए नहीं होती है तो आप लोग कमेंट में ये नहीं बताना कि भाई तू फेक वीडियो बनाता है, मतलब कि सॉल्व नहीं हुआ। देखो मेरा भाई, मेरा काम है आप लोगों को सही जानकारी। देखो यार, मैंने जो भी तरीके बताया है इससे मतलब कि 90% लोगों का तो सॉल्व हो ही जाना चाहिए। अब मान लीजिए किसी का नहीं होता है तो वो इंस्टाग्राम का खुद का प्रॉब्लम, मतलब कि इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को खुद सही करेगा, तो इसके लिए आपको वेट करना। अगर मान लीजिए एक महीने से ज़्यादा हो गया तो अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं हो सकता आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँगा या नहीं, मतलब आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो फिलहाल वीडियो यहीं पर करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।